हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे रात का डिनर। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ पर गैस साफ़ कर रही हूँ। मैंने दाल को झोंका है अभी, तो दाल मेरी बन रही है फ्रेंड्स। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ भाजी। तो मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा मेरा गैस साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि गैस पर जो छींटे पड़ जाते हैं तेल के, तो वो मैं अगर साफ मैं तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ तो ज़्यादा गंदा दिखता नहीं है। तो मैंने जो भाजी बनाई, अब मैं भाजी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने पहले से ही सब कट करके रखा था, तो मैं भी कांदा डाल रही हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ फ्रेश बीन्स की भाजी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने ना क्या बनाया है आज। मैंने कुछ तो कलाकारी की है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ पर चला लेती हूँ थोड़ा सा, ये मैं भून लेती हूँ कांदे को। अभी मैं टमाटर डाल लेती हूँ। मैंने आज सारा काम कर दिया था जल्दी ही, सब बर्तन वगैरह जितने थे वो शाम के चाय। आज तो मैंने चाय पिया ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ दो ही टाइम चाय पीती हूँ, सुबह और शाम। और जब कभी बीच में मन करता है तो मैं लेमन टी पी लेती हूँ। तो अभी मैं डालने वाली हूँ मसाले। सबसे पहले मैं नमक डालूंगी। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने नमक डाल लिया। अभी मेरे मसाले हैं ना फ्रेंड्स, ख़त्म हो चुके हैं इस, मतलब डब्बे में से ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे भरने थे, तो मैंने सोचा था कि चलो पहले इसे ख़त्म हो जाने देते हूँ, ताकि मैं इसे घस के साफ़ करके अच्छे से भर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, ये सब डाल लिया है। तो मुझे अभी ये साफ़ करना था, तो इसलिए मैंने इसमें मसाले भरे नहीं है। कि कल जब मैं बनाऊंगी उनके लिए लंच, और तब ये सब डब्बे मतलब मसाले जितने थोड़े से ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं इसे अच्छे से साफ़ करके दोबारा मसाले भरूंगी। क्योंकि मुझे डब्बा साफ़ करना था और मैं साफ़ कर नहीं पाई थी, जिसमें मसाले भरे हुए थे। तो अभी मैं यहाँ पर भाजी डालने वाली हूँ फ्रेंड्स की। तो मैं मसालों को अच्छे से, टमाटर को चला लेती हूँ, उसमें भून लेती हूँ, मैं डाल लेती हूँ फ्रेंड्स बीन्स भाजी। तो मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मसाले में भून लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स। अभी मैं इसे ढककर पकाने वाली हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। तो मैंने इसे ढक लिया है अभी। तो अभी मैं मेरा किचन जो थोड़ा सा है वो फिर से साफ़ कर लेती हूँ, कपड़ा मार लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरा किचन एकदम साफ़ रहता है और जल्दी गंदा नहीं होता है। बाद में फिर मुझे बड़े आसानी से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है। तो इससे जब भी मैं खाना बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, अगर मैं चाय भी बनाऊँ, तभी मैं किचन में बीच बीच में एक बार तो कपड़ा मार ही लेती हूँ। तो किचन जा क्या है ना, इसे एकदम साफ़ रहता है और बिल्कुल गंदा नहीं होता है। तो आपको भी अच्छा लगता है साफ़ जगह में काम करना। तो मेरी ये आदत हो गई है कि मैं 5-5, 10-10 मिनट में कपड़ा मारती रहती हूँ किचन पर। तो किचन एकदम साफ़ रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है मेरा। तो अभी मुझे ये जो बर्तन है ये साफ़ करके रखने हैं। तो ये सब काम हो गया, देख रहे हो आप, मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया है। मैंने फिर से एक बार गैस पर कपड़ा मार लिया है, ताकि वो अच्छे से साफ़ रहे। बाद में मुझे ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ता है, हल्का सा ये पानी से मैं इसको धो लेती हूँ, घस लेती हूँ, तो अच्छे से जल्दी साफ़ हो जाता है। तो चलिए, भाजी मेरी बन गई है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, भाजी भी एकदम तैयार है, बन चुकी है मेरी भाजी। आज इसमें मैंने कुछ खोपरा नगी नहीं डाला है, ऐसे सिंपल बना दिया है। देखिए देखिए, तो अभी मैंने यहाँ पर चाय बना ली है। देखिए, चाय बना ली है, खाना एकदम रेडी हो गया है रात का। भाजी भी बन गई है, बस चपाती बाकी है। तो मैंने इसके लिए ये देखिए जो आटा है आज भून के रख लिया है। जब वो आएंगे तो मैं गर्मा गर्म बना दूंगी चपातियाँ। तो आज मैंने ज़्यादा चपाती नहीं बनाई है, थोड़ी बनाई है, क्योंकि फिर वो सुबह तक बच जाती है। तो मैंने सोचा चलो कि थोड़ी बनाते हैं आज। तो मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ आज मेरी कलाकारी की, मैंने आज क्या किया है। तो चलो आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने आज क्या किया है। तो ये
ये जो फ्रेंड्स है ना, ये मैंने आज नहीं बनाया, ये बहुत पहले बनाया था जब हम इस रूम में आए थे तभी बनाया था। तो ये कुट्टे से जो गत्ते होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन में जो आते हैं उससे बनाया है ये। ऊपर जो लकड़ी का है वो भी मैंने अभी बनाया है, इसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसे थोड़े से दिन में बनाकर ये मैंने कावे की दवाई वगैरह रखने के लिए बनाया है, जैसे कि बॉडी लोशन हो गया, पाउडर हो गया, ये सब रखते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये मैंने बनाया है शूज़ रैंक। तो यहाँ पे शूज़ भी रखे हैं और कावे के खिलौने भी रखे हैं। उसमें दो ड्रॉ हैं, तो ड्रॉ में भी मैंने बहुत कुछ सामान रखा हुआ है भरकर। एक में जैसे कि मेरी सब रंगोली वगैरह सब रखी हैं, बहुत सारा सामान इसमें बहुत अच्छे से आ गया है। तो बहुत अच्छा लगता है ये जब मैं लेने गई थी तभी इसकी कीमत उसने बताई, जैसे हम लेने जाते हैं ऐसा, तो इतने बड़े की कीमत 4,000-5,000 कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैंने ये सस्ते में ही बना लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा मैंने इसमें एक पर्दा लगाया, एक जगह दरवाज़ा है एक जगह दरवाज़ा नहीं है, तो इसमें मैंने पर्दा लगा दिया है। तो इसमें दो ड्रॉ हैं, बहुत अच्छे से बनाया मैंने इसको और बहुत सस्ते में बन गया था। और ये देखिए ऊपर का भी ये मैंने बनाया है। और यहाँ पे पर्दे के पीछे कपड़े का मैंने लगाया है एक, जैसे कि जब भी आते हैं देखिए पर्दा रखा देंगे तो ये अच्छे से ढका जाता है, दिखता भी नहीं है कि एक के पीछे कपड़े रखे हुए हैं। पहले ये यहाँ पर एकदम साइड में था तो ये दिख रहा था, जैसे कोई भी मेहमान आए तो दिखता था कि यहाँ पे कपड़े टंगे हैं, तो मैंने उसको साइड में कर दिया है। आप ये आ गए हैं ऑफिस से और कावे के लिए लेकर आए हैं दही जलेबी। मैंने टमाटर कांदे मंगाए थे इनसे तो ये लेकर आ गए हैं। तो अब मैंने बना लिया इनके लिए चाय, तो अभी मैं चपाती बना रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं चपाती बनाने आ गई हूँ क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम हो गया है। तो ये आ गए हैं तो चाय वाय पीने के बाद मैं अभी खाना खाने के लिए हम लोग बैठेंगे, तो मैंने सोचा चलो चपाती मैं बना लेती हूँ अभी। तो मैं खाना बनाने मैं फिर से यहाँ पे चपाती बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ और अभी मैं सब दाल भाजी सब गर्म कर लूँगी वापस से, क्योंकि अभी खाना खाने के बाद मुझे बहुत काम भी होता है। तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी खा लेते हैं, और आज कव्या बहुत थक गई है तो वो सो गई थी जल्दी। तो मैं यहाँ पर बेल रही हूँ चपाती। मैंने आज कम चपाती इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने राइस भी बनाया है। कभी कभी क्या होता है मैं राइस नहीं बनाती हूँ, सिर्फ चपाती बनाती हूँ, तो आज मैंने राइस भी बनाया है। तो ये सब मैं रख दूँगी अभी, अब मैं खाना गर्म करने वाली हूँ। पहले मैं चपाती बना लेती हूँ फिर खाना, फिर मैं दाल और भाजी गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपाती। आज मैंने छोटा वाला गैस ये तवा लिया है, ये पिज़्ज़ा तवा है, ये चपातियों का तवा नहीं है। पर मैंने मेरे हाथ में यही वाला आ गया तो मैंने सोचा चलो अब इसी पे बना लेते हैं। तो चपाती भी देखो बन चुकी है मेरी, रेडी है चपाती। तो अब मैं दाल वगैरह गरम कर रही हूँ, भाजी वगैरह दाल मुझे गरम करनी है अभी। तो ये अभी गरम हो गया, तो अभी देखे अभी मेरा डिनर एकदम रेडी है, एकदम देखिए आज का खाना एकदम सिंपल खाना रेडी है, दाल भाजी चपाती, सिंपल सा खाना आज का रात का। तो अभी मैं आ गई, खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ इनके लिए लेमन जूस बनाने के लिए, नींबू पानी, क्योंकि अब इनको आदत है खाना खाने के बाद राउंड मारने की। तो ये जाते हैं बाहर चलने के लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी इनका रोज़ का है ये, तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, आप लोग को तो पता ही है कि मैं नींबू पानी रोज़ बनाती हूँ। तो अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आऊँगी फिर किचन में ये बर्तन साफ़ करने के लिए, फिर से एक बार किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि फिर ये सब साफ़ करने के बाद हम सोने जाएंगे रात को, क्योंकि फिर अभी ये सब मैं अगर अभी कर दूँगी तो सुबह मेरे लिए बहुत आसानी होती है काम करने में, इससे मैं रोज़ रात को ही सारा काम करके सोती हूँ, बर्तन वगैरह और किचन वगैरह सब साफ़ करके सोती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं नींबू पानी बना रही हूँ उनके लिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, गर्म पानी में नींबू डालती हूँ, इसमें शक्कर भी नहीं होती है, नमक भी नहीं होता है, क्योंकि इनको ऐसे ही पसंद है पीना तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। मैंने फिर से अपने किचन पे एक और पकड़ा मार दिया। खाना हो गया है रात का, अभी मेरे थोड़े से बर्तन बाकी हैं वो मैं जाके घसने वाली साफ करने वाली हूँ। तो अभी वक्त आ गया है आप लोगों को कहने का बाय बाय। तो अब अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर प्लीज़ नक्की कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का। और एकदम सिंपल डिनर था आज, कुछ ज़्यादा वो नहीं था, एकदम सिंपल था। तो अभी ये गए हैं
चलने के लिए, खाना खाने के बाद उनको आदत है चलने की। और आज काव्या जल्दी सो गई है तो अभी हम भी सोने वाले हैं क्योंकि अभी बज गए हैं 11:30। अभी 12 बज, तो 12 बजे से पहले सो जाना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होगा। और आजकल क्या हो रहा है ना, मेरा जो ब्लॉग है वो शाम का ही बन रहा है, सुबह का नहीं हो पा रहा है। तो मैं कल से ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं पूरा अपना जो सुबह तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कल मैं कोशिश करूँगी, मैं कल ज़रूर बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।